आई होप हमें ढूंढने से पहले डैड के गुंडे अपना रास्ता भटक जाएं। I really hope so. हाँ, नहीं तो तुम दोनों के प्यार के चक्कर में मुझे सूली चढ़ना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों का भागने का इंतजाम मैंने किया है तो। अरे यार, तू डरता बहुत है यार। देखना, एक बार मेरी और जीनी की शादी हो जाए ना, उसके बाद इसके डैड तो अपने आप मान जाएंगे। बस तुम्हारी शादी हो जाए। अरे भाई, क्यों नहीं होगी शादी? जरूर होगी। शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तो शहर से इतना दूर आए हम लोग। लेकिन कल सुबह शादी करने से पहले हमें आज रात कहीं काटनी होगी। मानव शाम हो रही है और रात को ट्रैवल करने के लिए ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। I know, but I'm really very sorry. हमें एक सस्ता होटल ढूंढना होगा। क्या है ना, बड़े होटल का बजट नहीं है हमारे पास। It's okay. Hey guys, वो लॉज देखो। I think we can afford that. Here we are, guys. Come on, let's go. Yeah. यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। कोई है यहाँ पर? Excuse me. Hello. क्या चाहिए? क्या चाहिए से क्या मतलब है? लॉज है तो रहने के लिए जगह चाहिए, और क्या? कमरा नहीं है? जाओ यहाँ से। क्यों नहीं है भाई कमरा? मुझे आपके अलावा यहाँ कोई दूर दूर तक परिंदा तो नजर नहीं आ रहा, तो कमरा क्यों नहीं है? देखिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आज की रात हमें यहाँ ठहरने दीजिए। हम मुसीबत में, प्लीज हमें रूम दे दीजिए। अगर यही तुम लोगों की मर्जी है तो ठीक है, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यहां रुककर तुम लोग किसी भी दूसरे आदमी से बात नहीं करोगे, यही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि रात को मैं यहां नहीं रहती। पर ओके, ठीक है, आओ मेरे साथ। अच्छा मैडम, ये बताइए यहाँ के रूम का रेंट कितना होगा? जो देना है दे दो, क्या फर्क पड़ता है। मानव, जल्दी लकड़ियां लाओ। चेनी बेबी। Yes. I have news for you. Yep. मैंने मोबाइल के GPS सिस्टम पे चेक किया है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मंदिर है, एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहीं पे शादी कर ली जाए, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। Yes. और अगर उससे पहले तुम्हारे खूंखार बब्बर शेर डैड ने हमें ढूंढ लिया तो हम रोहित को उनका चारा बना देंगे। What do you say? Good idea. भाई तू हमेशा मुझे ही फंसाता है यार। अब कितना डरपोक है तू। Come on. शमिता जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। यहाँ आप इस वीराने में आप ये सुनसान लॉज चलाती हैं, आपको डर नहीं लगता? अब मुझे डर नहीं लगता। इस लॉज को संभालने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। आपकी फैमिली में कोई? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस लॉज के अलावा एक छोटा सा घर है, बस खाना लगा दिया है, और किसी चीज की जरूरत हो तो सामने किचन है। वैसे रात काफी हो गई है, अब तुम लोग भी खाना खाकर सो जाओ। और हाँ, मैंने जो कहा वो याद है ना? हाँ हाँ, हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। हाँ, अब मैं चलती हूँ, सुबह मिलूंगी। शमिता जी, गुड नाइट।
टेक केयर. And thank you for the food. Bye. Wow. Beautiful. कितनी खूबसूरत है यार ये. अच्छा बहुत प्यार आ रहा है उस पे. शादी हुई नहीं तुमने बीवी वाले रिएक्शन देने चालू कर दिए. Come on यार, मतलब she's just a gorgeous woman. मैं खूबसूरती की तारीफ कर रहा था. यार उसकी खूबसूरती को छोड़, देखा वो कैसे बिहेव कर रही थी. पहले तो कमरा देने को तैयार नहीं थी, अब बोल रही किसी से मिलो नहीं, किसी से बात मत करो. अरे यहाँ है कौन बात करने के लिए, पूरा सुनसान पड़ा है. आई नो, मुझे भी इस लॉज में कोई नहीं दिखा. अरे बाहर में वैसा, हम अपनी बात करते हैं ना, तुम्हारी हमारी, हमारी शादी की, कुछ तुम्हारे उस बब्बर शेर खूखार डैड की. ऐसे चलिए एक बात बताऊं, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो तुम्हारे डैड कभी भी इस शादी के लिए मना नहीं करते. अविश, कहीं से मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाए, सारे पैसे तुम्हारे डैड को देकर ना उनकी बोलती बंद कर दूंगा हमेशा के लिए. भाई अभी तक तो कोई था नहीं, अब ये कौन आ रहा है? लगता है कोई गेस्ट अपने रूम से बाहर आ रहा है. लोग लॉज में नए आए हो? जी हाँ, हम लोग आज ही आए. क्या आप भी यहीं ठहरे हैं? देखा नहीं आपको. आप? मैं विराज, विराज कुमार. शमिता ने किसी से भी बात करने के लिए मना किया है. तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए ना जेनी के फादर को देने के लिए? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? मैं ऊपर से तुम्हारी बातें सुन रहा था. तुम्हें एक ऑफर देने चला आया. तुमने जवाब नहीं दिया. मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा एक ही रात में, आज. चाहिए? बहुत सारे पैसे और वो भी एक रात में. अंकल क्यों मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. डिसाइड कर लो, अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक 10:30 बजे मेरे रूम, रूम नंबर 13 में आ जाना. सी यू. गाइस, मैंने डिसाइड कर लिया, एक बार इस बंदे से जरूर मिलना चाहिए, पता तो चले इसका ऑफर है क्या. मानो प्लीज, डोंट इवन थिंक. शमिता ने किसी से बात करने के लिए भी मना किया है. भाई संभाल के. अंकल, अंकल,
अंकल लगता है अंकल कहीं बाहर गए, मैं बाद में आता हूं। ऑफर सुने बगैर ही जा रहे हो? आप यहां? लेकिन अभी तो आप यहां नहीं थे। ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मुझे बाजी में हरा दो। बाजी मतलब ताश की बाजी? हाँ, ताश की बाजी में अगर तुम मुझे हरा दो तो ये सब कुछ तुम्हारा। और अगर मैं नहीं हरा पाया तो? अगर तुम हार गए तो तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जो मैं कहूं तुम वो करोगे। अगर जीत गया तो ये सारा पैसा मेरा, और अगर हार गया तो होगा कोई छोटा मोटा टास्क, कर लेंगे। रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। शो करें? शो मैं जीत गया अंकल। द गेम इज नॉट ओवर येट। मैं जीत गया। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूं। क्या करना होगा मुझे? यहां से 50 किलोमीटर दूर
पहाड़ी पर मेरा बंगला है, वहां पर तुम्हें मेरी बीवी मिलेगी। तुम्हें वहां जाकर उसका खून करना है। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? उसकी अलमारी में एक काला बॉक्स है जिसके अंदर 10 किलो सोना है। तुम्हें वो बॉक्स सोने के साथ इधर लाना है। देखिए अंकल, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी वाइफ को कैसे मार सकता हूं? देखिए, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? नो। ठीक है, यही बात तुम उससे कहो। मैं करने के लिए तैयार। आप प्लीज उसे रोक लीजिए। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज रोक लीजिए अंकल। जाओ और मेरा काम करो, और खबरदार जेनी या रोहित से कुछ भी कहा या भागने की कोशिश करी, नहीं तो जिसे गायब किया है ना उसे फिर से तुम्हारे पीछे लगा दूंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी,
अश्विनी जी, मेरी बात सुनिए। अरे देखिए प्लीज, मेरा घर लूटा है क्या? देखिए आप चाकू छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए, चाकू छोड़िए, मेरी बात सुनिए। ये तो मर गए। बॉक्स, उसने कहा था वो बॉक्स कबर्ड में, कबर्ड। कहाँ गया होगा? रोहित, रोहित, रोहित मानव गायब है। जेनी काम डाउन, काम डाउन, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, आ जाएगा मानव, आ जाएगा। रोहित, मैं रात को वो कमरा चेक करने गई थी, पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ होगा। मैंने जब आवाज दी तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया, मेरा मानव कहाँ गया होगा? आ जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा हुआ भाभी, प्लीज मानव को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, मानव गायब है। वो एक्चुअली वो रूम नंबर 13 में विराज अंकल है ना, उनको वो मिलने गया था और उसके बाद वो भागकर कहीं गया और सुबह हो गई, वो अभी तक लौटा नहीं है। प्लीज उसे ढूंढिए ना, प्लीज। मानव अंकल से मिलने के लिए गया था? हाँ। तो फिर बाजी हो ही गई, अब मानव कभी वापस नहीं आएगा। जब मानव चला गया तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ से जाओ। शमिता, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? शमिता, आज मेरी और मानव की शादी है, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। बुलाओ विराज अंकल को, तुम क्या छुपा रही हो, चल क्या रहा है इस लॉज में? विराज अंकल सिर्फ रात में आते हैं इस लॉज में। रात में? इससे ज्यादा तुम दोनों को जानने की जरूरत नहीं है। मानव अब कभी नहीं आएगा, वो अब कभी नहीं आएगा। तुम लोग भी चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज मत जाओ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इन लोगों की मदद करूं या नहीं? से कहां से आ रहे? हमने तो इनको ऊपर जाते हुए देखा ही नहीं था। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? अंकल मानव कहां है? कल रात को वो आपके कमरे में आया था, आपकी उसके साथ क्या बात हुई है? बोलो। मानव, मानव ये क्या कर रहा है? मानव ये तुमने क्या किया? वो हमारा दोस्त था मानव। ओह 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 ओह
मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ एक बाजी खेलने को तैयार हो। वेरी गुड, ठीक 10:30 बजे मेरे रूम नंबर 13 में आ जाना। छोड़ दो इसे। अंदर आओ, बैठो। मेरे साथ एक बाजी खेलनी पड़ेगी और अगर तुम हार गई तो जो मैं कहूं तुम्हें करना पड़ेगा। मंजूर है? मैं जीत गया और तुम हार गई। अब जो मैं कहूं तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं। मेरे दोस्त यहां आने वाले थे बाजी खेलने। ये बाजी होने के लिए लगी हुई है। 10:30 बज गए, वो अभी तक आए नहीं। तुम्हें बरखा विला जाकर उन्हें यहां लाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब समझ में आया, आपने ऐसी बाजी खेलकर मानव को बाहर भेज दिया होगा। आपने जो ट्रिक खेलकर उसको फंसाया है वही आप मुझ पर प्ले कर रहे हो। कहां है मानव? कहां है मानव? मैं कहीं नहीं जा रही हूं। नहीं मानोगी? नहीं। नहीं जाओगी? नहीं। ये भी नहीं मान रही मेरी बात? अंकल,
अब जाओ, जल्दी जाओ। बस। अच्छा मानिक, तुम्हें याद है ना, इस साल तुम मुझे कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे। हाँ हाँ सोनम, बिल्कुल याद है, पर अभी साल खत्म नहीं हुआ है ना। ये लो थोड़ा सा और। जी हाँ कहिए। अब इन्हें कैसे बताऊं कि उस विराज अंकल के कहने पर मैंने रेड रोज लॉज ले जाने आई हूँ। जी वो मेरी कार खराब हो गई है और मैं रास्ता भूल गई हूँ, तो मेरे पेरेंट्स जब तक मुझे पिकअप करने आते हैं, मैं आपके यहाँ वेट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आओ ना। प्लीज कम। हमारे साथ डिनर कर लो। लो लो। अरे शर्मा क्यों रही हो, कुछ तो खाओ। वैसे तुम हो कहां से? जी वो मानिक, उसे खाना तो खाने दो। और हाँ, जो बात तुम मुझसे कर रहे थे उसे पूरा करो। मुझे बताओ मेरा गिफ्ट कब मिलेगा? कहां ना बाबा, अभी साल 2009 पूरा नहीं हुआ है। साल में खत्म होते होते ही तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे पास होगा। 2009? ये तो 2015 चल रहा है। याद रहे 2009 का 2010 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी दाल और लो। क्या हुआ, पता चल गया कि हम मर चुके हैं? हाँ, हमारी मौत हो चुकी है, एक डकैत के हाथों अपने ही घर में, उसी रात को जब हम विराज को मिलने उसके लॉज में जाने वाले थे। अरे क्या हुआ, अब खाना नहीं खाओगी हमारे साथ? अब तुम भी मरोगी, मरने के बाद हमारे साथ खाना खाओगी ना? जेनी, जेनी आर यू ऑल राइट? तुम ठीक हो? शमिता, तुम्हारे लॉज में क्या चल रहा है? विराज अंकल, मानव, रोहित, कुछ तो अजीब हो रहा है, तुम क्या छुपा रही हो? प्लीज बताओ। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। विराज अंकल हमारे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें रोज शराब पीना और रोज ताश के बाजी खेले बगैर चैन नहीं आता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे परेशान होकर उन्हें घर से निकाल दिया। विराज अंकल आकर हमारे लॉज में ठहरे, उसी रूम नंबर 13 में, और रोज की तरह शराब पीने के बाद
अपने उन्हीं दोस्तों के साथ, मानिक और सोना, ताश के बाजी खेलने लगे और अपनी लालची बीवी को मारने का प्लान बनाने लगे। पर 9 नवंबर 2009 की उस रात कुछ और ही हुआ था। इसका मतलब वो मानिक और सोनम की आत्मा थी और हम जिस विराज अंकल से मिलते हैं वो उनकी आत्मा है। हाँ, उस रात से लेकर आज तक विराज अंकल की आत्मा अपनी उसी रात की अधूरी बाजी को पूरी करने के लिए हर रात किसी न किसी का इंतजार करता है और जो भी उनके साथ ताश खेलता है उसका वही हर्ष होता है जो मानव का हुआ। कोई जिंदा नहीं बच सकता, इसका मतलब मानव मर गया। जेनी, नहीं, जेनी, नहीं मानव, नहीं। प्लीज संभालो अपने आप को। जेनी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अब मानव वापस नहीं आएगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं विराज अंकल के आत्मा के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो आत्मा मुझे मार देगी। इसका मतलब वो आत्मा मुझे भी मार देगी? नहीं, वो आत्मा सिर्फ लॉज में कैद है। यहाँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे जैसे कई लोगों की मुझे जान बचानी है, मुझे यही रहना पड़ेगा। मगर तुम जा सकते हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं नहीं भागूंगी, मैं विराज जंगल की आत्मा के खेल को खत्म करके रहूंगी। शायद इससे मुझे मेरा मानव वापस मिल जाए। शमिता, इस आत्मा के खेल को खत्म करने का कोई तो उपाय होगा। विराज अंकल की आत्मा का छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय? हाँ, है एक उपाय। ये देखो, ये विराज अंकल के अपने ताश के पत्ते। इन्हीं पत्तों के साथ वो उस रात अपनी बाजी खेलने के लिए तैयार थे जिस रात उनका कत्ल हुआ। विराज अंकल की आत्मा आज भी इसलिए भटक रही है क्योंकि उस रात उनकी बाजी अधूरी रह गई थी। उस रात ना ही उनका दोस्त आया और प्रीतिका ने उनका खून कर दिया। अगर उनकी ये अधूरी बाजी पूरी कर दी जाए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो चले जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मेरे पापा एक ऑकल्टिस्ट थे, वो आत्मा पर काबू पाने की विद्या जानते थे। उन्होंने ही मुझे बताया था कि एक यही रास्ता है इन सब से छुटकारा पाने का। उन्होंने कोशिश भी की थी। फिर पापा ने बताया था कि विराज अंकल का कत्ल होने से पहले अगर उनकी बाजी को पूरी कर दी जाए तो उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और वो आत्मा हर रोज अपनी बाजी को पूरी करने के लिए किसी नए खिलाड़ी का इंतजार नहीं करेगी। मेरे पापा ने कोशिश भी की थी मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। मुझ में तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं एक आत्मा का सामना कर सकूं और उसे मुक्त कर सकूं। ये काम मैं पूरा करूंगी। मानव को वापस पाने के लिए विराज अंकल की अधूरी बाजी वक्त से पहले मैं पूरी करूंगी। Thank you.
ये ताश की गड्डी 10:30 बजे से पहले अंकल के टेबल पर रख देना, याद से, ठीक? और प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। या ओके। मेरे दोस्तों की कुर्सी पर क्या कर रही हो? 10:30 बजे मेरे दोस्त लोग आने वाले थे यहाँ मेरे साथ बाजी खेलने के लिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस लॉज में ठहरी हूँ, क्यों ना जब तक आपके दोस्त आते हैं आप और मैं एक बाजी खेल लें। आप एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और मैंने सुना है आप कभी कोई बाजी खेलने से मना नहीं करते। हाँ, मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ और मैं बाजी खेलने के लिए कभी मना नहीं करता हूं, ठीक है? Blind. ग्यारह बजे तक प्रतिका वीरा जंगल को मारने आ जाएगी, मुझे उसके आने से पहले बाजी पूरी करनी होगी। और मैं जीत गया। कौन हो तुम? तुम कौन हो? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मार दूंगी आज मैं तुझे। तुम कौन हो? शमिता, are you all right? हाँ, जेनी, शमिता, मैंने बाजी पूरी की। Thank you so much. Thank you.
विराज अंकल की बाजी तो पूरी हो गई, लेकिन मैं अपने मानव को वापस नहीं पा सकी। मैं बाजी हार गई, मैं बाजी हार गई। So happy. अच्छा हो तुम्हारे ऑफिस वालों ने रहने के लिए घर दे दिया, वरना मुंबई में घर ढूंढना इज अ बिग टास्क ना। स्वीटहार्ट, तुम तीनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पापा उधर देखो, दो लड़कियाँ। हाँ? अरे बेटा, रोड तो खाली है। पर हमने तो देखा था। बेटा, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है बेटा, चलो अपने नए घर चलते हैं। टंटन, क्यों बच्चों, कैसा लगा नया घर? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। वैसे भी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। I'm lucky for you, right? Actually, my daughters are lucky for me. Riya Sakshi, come here. My angels are lucky for me, right? Correct? Correct. वैसे पापा, मैं घर देखने जाऊँ, please? Of course, तुम्हारा घर है, जाओ देखो घूमो। या मैं इस तरफ जा रही हूँ। दीदी, मैं इस तरफ जाती हूँ। Okay. बच्चे देख लेंगे। बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे तो घर देख रहे हैं ना। वाओ, वाओ। तो कोई बेसमेंट लग रहा है। रिया, रिया, रिया बेटा, रिया तुम यहां हो? रिया, 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 क्या तुम यहां हो? रिया, बेटा तुम वहां कैसे पहुंची? रिया, रिया,
रिया, ये तुमने क्या पहना है? हाँ, निकालो इसे। पापा, मुझे लगा आप यहाँ पे और आप मुझे मैजिक दिखा रहे हैं। और यहाँ पे केक था और ढेर सारे बलून्स लगे थे यहाँ पे। बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कहाँ है कुछ? और पापा तो तुम्हें ऊपर ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम यहाँ बेसमेंट में पहुंची कैसे? तुम ठीक तो हो ना? आइंदा मत आना यहाँ। आ जाओ बेटा। जान ही निकाल दी थी। तुम मेरी जान हो। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। नमस्कार। कमाल है यार, एक अच्छा रोमांटिक माहौल बना रहा हूं मैं। और तुम हो के माहौल। शिमित, वहां कोई है? मैंने अभी देखा, वहां कोई है। तुम यहीं रुको। पकड़े गए हो। चलो बाहर निकलो, देख लिया मैंने। कम ऑन। पापा पापा, सच में हमने कुछ भी नहीं देखा। सच्ची पापा, हमने डांस भी नहीं देखा। ठीक है, तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो। Are you sure? Sure बेटा, आओ। कम। तो पापा बताइए, मम्मा आपकी क्या लगती है? मम्मी मेरी? अब मम्मी मेरी वाइफ है बेटा। पर थोड़ी देर पहले तो आपने उन्हें जान कहा था। पर पापा, जान तो उसे कहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो क्या आप मम्मा को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं? बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम दोनों मेरी जान हो। अब मम्मी तो बस। अच्छा बच्चू। अरे तो जहापना, बताइए इस लेडी को क्या पनिशमेंट दिया जाए? इस लेडी को बेड पे सुला दिया जाए। जी जहापना। बच्चा पार्टी अटैक। शिमित, उठो ना।
क्या हुआ? शिमित, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि दो छोटी बच्चियां रोड क्रॉस कर रही हैं और हमने उन्हें गाड़ी से उड़ा दिया। एग्जैक्टली वैसे जैसे उस दिन रिया ने कहा था। ताबी, थकावट और स्ट्रेस की वजह से ऐसे बुरे सपने आते हैं। इनके बारे में इतना मत सोचो, भूल जाओ इन सपनों को। ऐसा कुछ नहीं है। टेक सम रेस्ट, सो जाओ। गुड नाइट। शिमित, तुम सो जाओ, मैं बच्चों को देखकर आती हूँ, वो ठीक से सो रहे हैं कि नहीं। हाँ। साक्षी, रिया, ये दोनों कहाँ चली गई? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Sakshi, Riya, Sakshi. साक्षी, रिया, ये क्या पहन रखा है तुम लोगों ने? उतारो इसे। और ये चाकू कहाँ से है तुम्हारे पास? मैंने अभी अभी एक बर्थडे सॉन्ग की आवाज सुनी थी। ये कौन गा रहा था? हाँ मम्मा, वो मम्मा, वो हमें नींद नहीं आ रही थी ना, तो हम यहाँ पर खेलने आ गए। बच्चे अगर अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी तो मेरे पास आकर सो जाते। तुम लोग यहाँ क्यों आए? अब आगे से कभी ऐसा मत करना। चलो यहाँ से, चलो। कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? जवाब दो। चलो यहाँ से, चलो। मैंने बोला चलो। शिमित, जल्दी उठो। शिमित उठो ना। क्या हो गया? शिमित, What's the matter? शिमित, ये दोनों बच्चे बेसमेंट में थे और वहां कुछ अजीब सा हो रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अभी मेरे साथ चलो, अभी। अभी क्या हो गया तुम्हें यार? Just look at the time यार। इतनी रात हो गई है, कल जाके देखते हैं ना। प्लीज सो जाओ, प्लीज सो जाओ। लेकिन शिमित, तुम सब तुम्हारा वहम है, कल बात करते हैं। आ जाओ बच्चा, कम। क्या मैं सचमुच कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? पर बेसमेंट में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। सब चेक करती हूँ। शिमित, शिमित, साक्षी, रिया, हमारे पापा कहाँ हैं? ताबी, ताबी क्या हुआ? तुम ऐसे चीखी क्यों? शिमित, मैंने अभी अभी एक आदमी को देखा, वो यहीं कहीं था, इसी घर में। मुझे बहुत डर लग रहा है शिमित। शिमित, वो मेरे चेहरे के इतने पास था, और वो एक जोकर है।
ताबी कुछ नहीं है, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा। सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। नहीं शमित, ये मेरा वहम नहीं है, मेरा यकीन करो, मैंने उसे देखा, वो हमें मार डालेगा। शमित मेरे बच्चे। बेबी प्लीज सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। सो जाओ बच्चों। मैं मार्शला। नमस्ते, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए प्लीज कम इन। घर में कुछ तो अजीब है, पता नहीं क्या। क्या मैं आपका घर देख सकती हूँ? जी तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। आप रुकिए, जब तक मैं लौट कर नहीं आती हूँ आप अपनी पत्नी के साथ यहीं इंतजार कीजिए। हाँ। अच्छा बच्चों, इधर आओ। आप मुझे अपना नया घर नहीं दिखाओगे? चलो। अच्छा बच्चों, आप तो अभी इस नए घर में रहने के लिए आए हैं ना, तो आपने अभी तक कोई नया फ्रेंड नहीं बनाया? डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपके मम्मी पापा को भी नहीं, प्रॉमिस। वो क्या है ना, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके फ्रेंड से दोस्ती कर लेती। सच्ची आंटी? सच्ची, तो मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाओ ना। वो कहते हैं कि वो हमारे पापा हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं और प्यार भी करते हैं। अच्छा, क्या आप अपने फ्रेंड को इस वक्त देख सकते हो?
बोलो, जवाब दो, क्या आप उन्हें देख सकते हो? डरो मत बच्चों, मैं अभी कैंडल जलाती हूं। जो बच्चों से बात कर रही है, बच्चों से मिल रही है, वो उनको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रही है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। मैं फौरन इस घर से शिफ्ट हो जाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा इस घर में रह के करना होगा, और जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। बेटा थोड़ा सा खा लो, मम्मा कुछ कह रही है ना। रिया तुम तो थोड़ा सा खा लो, तुम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बेटा मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ देखो एक बार, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? रिया हमें नहीं खाना, हमें कहा ना हमें नहीं खाना, क्यों आ रहे हो हमारे पास बार बार? बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर आओ। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? नहीं आप हमसे प्यार नहीं करते, अगर आप प्यार करते तो हमारा बर्थडे नहीं भूलते। अरे लेकिन तुम दोनों का बर्थडे थोड़ी ना है आज। आज हम दोनों का बर्थडे है, आपको नहीं पता, सिर्फ उनको पता है, क्योंकि वही हमारे रियल पापा है, समझा आप? Ha ha ha!
कोई भी मदद नहीं कर सकता। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये मेरे बच्चे हैं और मैं इन्हें ले जाऊंगा। मेरे और मेरे बच्चों के बीच में मत आओ, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच्चों, बच्चों उठो, उठो बच्चों, बच्चों। पापा। तुम जो कोई भी हो, मेरी बात सुन लो। मैं मेरे बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है, सब कुछ है मेरे। सुना? मैं मेरे बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। शिमे, पापा, पापा क्या हुआ पापा? शिमे, साक्षी, रिया, बच्चों, शिमे, साक्षी, रिया। शिमर, शिमर, साक्षी, साक्षी उठो। साक्षी, साक्षी आंखें खोलो, पापा है बेटा, बेटा आंखें खोलो। रिया, रिया, साक्षी, रिया उठो, उठने की कोशिश करो। मार्शला जी, रिया, देखिए ना, मार्शला जी, मार्शला जी, उठिए ना, मैं बोलूँगा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए, मार्शला जी, मार्शला जी, आंखें खोलिए प्लीज, मार्शला जी, प्लीज आंखें खोलिए, देखिए ना, मेरी बच्ची को क्या हो गया, आंखें नहीं खोल रही है। मार्शला जी, मार्शला जी, ये देखिए ना, देखिए ना। मार्शला जी प्लीज मेरी बच्चों को बता दीजिए, देखिए ना, बेहोश पड़ी हुई है, आंखें नहीं खोल रही है। प्लीज मार्शला जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरी बच्चों को बता दीजिए, ये मेरी जिंदगी है, प्लीज। Yeah, Papa!
तुम्हारी बच्चियां मरी नहीं है। लेकिन ये तो ये उठ क्यों नहीं रही है? ये उनके शरीर हैं, उनकी आत्माएं यहीं आसपास हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। जब तक हमारे पास ये शरीर है, उन दोनों बच्चों की आत्माओं को इनके अंदर लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें जोकर की आत्मा को शांत करना होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। लेकिन ये हमें सब कुछ जल्दी करना होगा, वरना आज रात के बाद मैं तुम्हारी बच्चियों को बचा नहीं पाऊंगी। कुछ कीजिए प्लीज। मुझे लगता है इसी घर में जरूर कोई ना कोई सुराग होगा। ढूंढो ढूंढो, जल्दी से ढूंढो। मार्सिला जी, ये देखिए, ये मिला है। ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मैंने अपने सपनों में देखा था। क्या? हाँ, ये वही है। मैंने इन्हें देखा था। शिमित, तुम्हें याद है साक्षी ने दो लड़कियों को रोड क्रॉस करते हुए देखा था जिन्हें हम नहीं देख पाए थे। शायद वो यही लड़कियां हो। पहले वो रिया को दिखी, फिर मुझे मेरे सपने में दिखी। माशाल्लाह जी, ये वही लड़कियां हैं। ये उनकी फैमिली की एल्बम है। उन बच्चों की आत्माएं तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। हमें तुम्हारे सपनों में जाकर सच का पता लगाना होगा। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मेरा सर्कस भी बंद हो गया। अब तो ये घर भी नीलाम हो जाएगा। अब हमारी बेटियों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। पापा, मत रोइए। क्यों रो रहे हो? प्लीज मत रोइए, हम हैं ना। पापा, पापा कहाँ रो रहे हैं? पापा, हाँ। आपको मम्मी की याद आ रही है? नहीं नहीं, आप लोग हैं ना पापा के पास। पापा को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। पापा, हमें केक नहीं चाहिए, हमें क्लाउन भी नहीं चाहिए। बस आप रोइए मत पापा, प्लीज। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप बेस्ट पापा हो। थैंक यू मेरे बच्चों। कल हमारे पास ये घर नहीं होगा। आपका बर्थडे ना आज ही सेलिब्रेट करेंगे। पापा आपके लिए केक लाएंगे। और पापा, आप हमारे लिए क्लाउन भी बनेंगे ना? हाँ बेटा, पापा आपके लिए जोकर बन जाएंगे। आखिरी बार एक काम कीजिए, आप यहीं वेट कीजिएगा, पापा आपके लिए केक लाएंगे। नेहा, श्रुति, नेहा। अरे यही है वो शॉप जहां से हमारे पापा केक
के लेने आते हैं। हेलो बच्चों, क्या चाहिए आप लोगों को? हमारे पापा आए होंगे यहाँ केक लेने। आपके पापा? नेहा, लगता है दोस्तों को बुलाने गए होंगे। कौन है आपके पापा बेटा? वो आज हमारे बर्थडे केक लेने आए होंगे यहाँ। बर्थडे केक पर क्या नाम लिखा है बेटा? नेहा और श्रुति। हाँ हाँ, आए तो थे और वो केक लेकर चले भी गए। वाव, चलो घर चलते, पापा वेट कर रहे होंगे। नेहा चलो। नेहा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, चलो। आज मैं अपने बच्चों को वो सरप्राइज दूंगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय भैया। हाँ बोलो। आपकी दोनों लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई है। मेरी बेटियां आएंगी, वो कहीं नहीं गईं, उनका आज बर्थडे है, हमें सेलिब्रेट करना है। मैं उनका बर्थडे मनाऊंगा, उनका मैं इंतजार करूंगा, जीते जी या मरने के बाद भी। ताबी, इसका मतलब उस जोकर की आत्मा इस घर में है जो आज भी अपनी बच्चियों के आने का इंतजार कर रही है। उस जोकर की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। वो अपने बच्चियों के साथ जन्मदिन मनाना चाहता था जो कि वो मना नहीं पाया, इसलिए वो तुम्हारी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझ रहा है जिनके साथ वो जन्मदिन मनाना चाहता था और उन्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है। तो अब हम क्या करें? तुम अपनी बच्चियों के शरीर के साथ बेसमेंट में बैठो और हम जोकर की बच्चियों की आत्माओं के साथ वहां पहुंचते हैं। ये Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Neha and Shruti, happy birthday to you. Shruti, Neha, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। Neha, Neha, Shruti, मेरे पास आओ।
नेहा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ नेहा। श्रुति आप अपने पापा से मिलना चाहती हो ना? हाँ। तो चलो मैं आपको आपके पापा से मिलवाती हूँ। जय जय। थैंक यू पापा। जय मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों से मिलना चाहते हो, तुम्हारी बच्चियाँ मेरे पास हैं। जय ये मेरे बच्चे हैं, तुम झूठ बोल रही हो, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, वो मेरी बच्चियां हैं। सुना तुमने? Happy birthday to you. माशाल्लाह जी। अपना हाथ मेरे हाथ में दो। पापा। आपको पता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि आप बेस्ट पापा हो। नेहा, श्रुति, वाह आप लोग आ गए। आप कहाँ चले गए थे? हाँ मैं यहाँ आपके लिए तड़प रहा था और आप मेरे लिए तड़प रहे थे ना। हाँ। हम तीनों साथ रहेंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। पक्का? हाँ। शमित, साक्षी, रिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Your papa is the best. साक्षी, रिया। पापा, पापा, पापा उठो ना। शमित। मम्मा। साक्षी, रिया, तुम लोग ठीक हो? कोई बात नहीं बेटा, मम्मा आ गई, अब सब ठीक है। हाँ शिमित, शिमित अपनी आंखें खोलो। शिमित देखो सब ठीक हो गया, हमारे बच्चे ठीक है, उठो ना। शिमित, शिमित प्लीज अपनी आंखें खोल, प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो जोकर की दुनिया खत्म हो गई है। शिमित उठो, देखो बच्चे ठीक है। शिमित, शिमित अपनी आंखें खोलो। ताबी, ताबी, बच्चों, बच्चों, तुम लोग ठीक हो? हाँ, बच्चों, ये लोग, ये ठीक हो गए। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं मरने के बाद सारे रिश्ते नाते और एहसास वही रह जाते हैं, पर नहीं, प्यार ही वो एहसास है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। प्यार ही तो है जो इस दुनिया से उस दुनिया को जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। Thank you.
भारत के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।